नमस्कार दोस्तों, आखिर यूपीएससी होती क्या है और यूपीएससी कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करती है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर आपके सारे डाउट्स और मिथ्स क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो एंड तक देखिए। सबसे पहले आप सभी लोगों का सरकारी सर्विस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के ऊपर हम आपको सारे गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में जानकारी देंगे। वैल्यूएबल और जेन्युइन कंटेंट आप तक पहुंचाना हमारा काम है। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। एग्जैक्टली यूपीएससी होता क्या है, व्हाट इज यूपीएससी? आपने बहुत सारे पेपर में पढ़ा भी होगा बहुत बार यूपीएससी एग्जाम, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है और उसका फंक्शन भी क्या होता है वो आपको आज समझ में आएगा। यूपीएससी का बेसिक फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है इंडिया की। ओके, तो इसका मकसद यही होता है कि वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्ट करे। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी टाइम पर इसका मतलब ऐड हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जो पार्ट 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सब पावर्स एंड फंक्शंस दिए हैं यूपीएससी के बारे में, उसके इंडिपेंडेंट फंक्शंस और उनके क्या क्या रोल है या फिर उसके अपॉइंटमेंट किस तरह से होते हैं, उनके मेंबर का रिमूवल किस तरह से होता है वो उसमें दिया है। यूपीएससी के एक टीम में, जिसे हम टीम कहेंगे, उसमें चेयरमैन होता है और बाकी मेंबर्स होते हैं अराउंड 9 to 10, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ओके, और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ लिखी हुई है या फिर जहाँ जिस पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, उनको बहुत उनके पावर्स एंड फंक्शंस बाकी अथॉरिटीज से बहुत ज़्यादा होते हैं, आप ध्यान में रखो। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दिए ताकि यूपीएससी के सारे पावर सेफगार्ड रहे, उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर ना हो, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने सेफगार्ड दिया है। ओके, यूपीएससी का मेन मकसद होता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स का सिलेक्शन करना, जिसे हम सिविल सर्वेंट्स या फिर ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और एक अच्छा कोड भी दिया है, उसका है वो है वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया। इंडिया की मेरिट जो है तो उनको उनके ऊपर वॉच रखना, ये इनका काम होता है। अब हम देखेंगे यूपीएससी की कौन सी एग्जाम्स है जो बहुत पॉपुलर है और जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले है एनडीए एंड एनए, इसका मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी। साल में ये एग्जाम दो बार होती है और 12th के बाद जो आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। नाउ द सेकेंड एग्जाम इज SCRA, जिसका फुल फॉर्म है स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेस एग्जामिनेशन। ये भी 12th के बाद होती है। जो लोग रेलवेज में इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उनके लिए एग्जाम है। अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हो तो आपकी पूरी इंजीनियरिंग रेलवेज के मतलब इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से होता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निकल एग्जाम है। थर्ड इज CDS एग्जाम, ये ग्रेजुएशन के बाद होती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेस। जिनको डिफेंस में ही ग्रेजुएशन के बाद जाना होगा या फिर जो NDA से नहीं जा पाए उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों जगह पर इनका सिलेक्शन होता है। ये जो NDA के पास आउट कैंडिडेट्स होते हैं उनके इक्विवेलेंट ये पोस्ट होती है और उनके साथ में ही आपका स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग होता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएशन के बाद आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए। तो फोर्थ इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा और बहुत ट्रेंडिंग एग्जामिनेशन है ये सिविल CSE जिसे कहते हैं। IAS IPS बनने के लिए ये जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं वो ये एग्जामिनेशन क्लियर करके ही उस मुकाम तक पहुंचते हैं। उसमें बहुत सारी बाकी भी सर्विसेज है, IRS या डिफेंस सर्विसेज, फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, इन सब सिविल सर्विसेज के लिए ये एक एग्जामिनेशन है। और फिफ्थ हमारी जो है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग के बाद गवर्नमेंट में मतलब स्पेशली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करना चाहते हैं उनके लिए इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की एग्जामिनेशन होती है। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में कवर्ड होते हैं। और अब जब बताने वाला हूँ CAPF AC एग्जामिनेशन, इसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है।
लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये भी एक बहुत इलाइट यूनिफॉर्म सर्विस है जो कि आईपीएस के इक्विवेलेंट ही होती है। इसका जो एसी मतलब असिस्टेंट कमांडेंट होता है वो भी डीवाईएसपी के इक्विवेलेंट पोस्ट है। इसके बारे में ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है हमारे सोसाइटी में, तो मैं बताना चाहूँगा इससे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या फिर सशस्त्र सीमा दल और इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर जो मिलिटेंट्स होते हैं हमारे जो डिफेंस फोर्सेस आर्म फोर्सेस तो उसमें आप सिलेक्ट हो सकते हो। ओके, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी क्लियर कर ली, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखो कि यूपीएससी सिर्फ एक मतलब एग्जाम कंडक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है इंडिया की। तो आपको कहना पड़ेगा कि मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या फिर मैं यूपीएससी की सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन इंटरव्यू में ये चीज़ें भी बहुत मायने लगती हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, और आने वाले सब वीडियो में मैं आपको इन सब एग्जामिनेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट और डिटेल में जानकारी दूंगा, तो उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। ओके, जय हिंद, फिर मिलेंगे।